हेलो दोस्तों, नमस्ते श्री कला दा। और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आप चाहे क्लैट का एग्ज़ाम दे लें, चाहे आप डी यू एल एल बी का एग्ज़ाम दे लें, चाहे बी एच यू एल एल बी दे लें, आईलेट दे लें, या फिर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिया के अंदर दे लें, लीगल मैक्सिम्स और लैटिन टर्म्स जो हमारे इंडिया की जुडिशियल सिस्टम में डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का आना हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मामूली बात है, और मैं कहूँ कि एक मैंडेटरी नॉर्म है। और लैटिन टर्म्स और लैटिन वर्ब्स का जो बेसिकली समंदर है वो इतना गहरा है और इतना बड़ा है कि क्या करें और क्या ना करें, ज़्यादातर बच्चे इसी समस्या से जूझते रहते हैं। सो दोस्तों, मैं सौरभ खरवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 65 ऐसे लैटिन लीगल मैक्सिम्स और ऐसे लैटिन लीगल टर्म्स जिनका हमारा डे टू डे जुडिशरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों, इन द पूल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लीगल मैक्सिम्स एंड हंड्रेड ऑफ लीगल टर्म्स, आई हैव सिलेक्टेड 65 इम्पॉर्टेंट लैटिन लीगल मैक्सिम्स एंड टर्म्स फॉर यू गाइस। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं एंड तक और जानते हैं वो कौन से 65 लीगल मैक्सिम्स और लीगल लैटिन टर्म्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करें आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं हमारे 65 लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स के ऊपर। सो ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है सबसे पहली लैटिन लीगल मैक्सिम। मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि लीगल मैक्सिम्स को याद करने का, लीगल मैक्सिम्स को करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यही है कि आप इनको बार बार पढ़ते रहे और रिवाइज करते रहे, क्योंकि लैटिन के अंदर कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसका स्टैटिक मीनिंग हो। यानी एक तरीके से मैं कहूँ कि किसी भी एक, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो लॉ को लेक्स भी कहा जाता है, तो कुछ जगह पे ज्यूर भी कहा जाता है, ज्यूरिस भी कहा जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको किसी और लैटिन टर्म से कहा जाएगा कहीं पर और किसी और लैटिन टर्म से कहा जाएगा कहीं के पर। तो अगर हम ये सोचें कि हम लोग एक वर्ड से दूसरे वर्ड का आइडिया लगा सकते हैं इंग्लिश के अंदर हर बार, तो वो गलत होगा। हाँ, आप एक आइडिया ले सकते हैं, सपोजिटली अगर मैं बात कर रहा हूँ नीमो की, मैं बात कर रहा हूँ एक्ट्री की, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कुछ लैटिन टर्म्स की जिनको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि उनका मतलब क्या होने वाला है। मगर हम ये कहें कि श्योर शॉर्ट हमको पता है कि ये वर्ड का मतलब ये है, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये 65 लीगल मैक्सिम्स को आप कंटिन्यूसली रोज स्क्रॉल करते रहें, इस वीडियो पे वापस आके इनको बार बार देखते रहें, इनको पढ़ते रहें। ये वीडियो मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट के बीच का होगा, और आप लोग जब इसको बार बार दिन में अगर 10-15 मिनट भी फास्ट फॉरवर्ड करके 2x से देख लेंगे तो आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा, और ज़्यादा समय ना जाने का जो फ़ायदा है वो आपको रिवीजन के तौर पे और इनको मेमोराइज़ करने के तौर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा लीगल मैक्सिम है वो है एक्ट्यूरी इनकम्बेंट ऑनर्स प्रोबंडी। इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है, कि द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन प्लेनेटिव। यानी प्लेनेटिव जो कंप्लेंट लेकर कोर्ट में आया है वही प्रूफ करेगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसी के ऊपर है। तो दोस्तों, अब अगले लीगल मैक्सिम चलते हैं, इट्स एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। दोस्तों, मेंसिट्रिया बेसिकली क्रिमिनल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वो क्या कहता है, वो कहता है एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस इट्स अकंपनीड बाय गिल्टी माइंड। यानी जो क्रिमिनल इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है क्राइम के अंदर, आपको किसी बंदे का क्राइम साबित करने के लिए, तो जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर जो इंटेंशन है, क्रिमिनल इंटेंशन, उसको बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू दी जाती है, और यही वो लीगल मैक्सिम आपको बता रहा है। अब आप इसमें देख सकते हैं एक्टस का मतलब एक्ट हो जाता है, और मेंसिट्रिया, मेंसिट्रिया इज बेसिकली माइंड को डिफाइन कर रहा है, तो ये एक आइडिया आप इससे लगा सकते हैं। और मेंसिट्रिया तो वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस टर्म है हमारे लॉ के अंदर। अगला है एमएस क्यूरिया। दोस्तों, एमएस क्यूरिया इज बेसिकली अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट और अ मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू सिट द कोर्ट। तो दोस्तों, आप लोगों ने नालसा के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे डीपीएसपी में जो पुअर लोग हैं उनको किस तरीके से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो वकील प्रोवाइड कराएं अगर वो लोग अपने लिए वकील हायर नहीं कर सकते। तो एमएस
एमिकस क्यूरिया जो है बेसिकली वही वकील होता है जो ऐसे प्रो बोनो केसेस को फाइट करता है। अगला है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। दोस्तों ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ऑडी का मतलब बेसिकली जो होता है वो हियरिंग से होता है, और ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब है नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। इस ये एक बेसिकली नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि किसी भी बंदे को आप लोग गुनहगार साबित करने से पहले हमेशा उसको सुनना चाहिए। बिना सुने आप किसी व्यक्ति को, यानी बिना सुने किसी व्यक्ति के पक्ष को आप उसे गलत साबित नहीं ठहरा सकते। बोना वैकेंशिया इज बेसिकली गुड्स विदाउट एन ओनर, यानी अगर आपको कोई सामान जो है वो रेलवे स्टेशन में पड़ा है, लावारिस मिला है और आपको नहीं पता वो किसका है, तो आप कहेंगे इट्स बेसिकली अ बोन ऑफ वैकेंशिया, यानी इट्स अ गुड विदाउट ओनर। डी मिनस नॉन क्यूरेट लेक्स का मतलब है लॉ डजंट गवर्न ट्रिफल्स। छोटी छोटी लड़ाइयाँ लेकर आप कानून के संरक्षण में नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। तो दिस बेसिकली इज टेलिंग दैट कि जो लॉ है वो स्मॉल और पिटी ट्रिफल्स पे, यानी लड़ाइयों पे नहीं एप्लीकेबल होता। आप उनके ऊपर जस्टिस नहीं मांग सकते, यानी कि आप घर में लड़ाई कर रहे हैं, बहन भाई के बीच में लड़ाई होगी और आप कोर्ट चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। एक्स पार्टे, एक्स पार्टे इज बेसिकली प्रोसीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी। एक्स पार्टे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ जजमेंट है। कई बार क्या होता है कोर्ट में जो दूसरी पार्टी है वो हाजिर नहीं होती। हाँ, ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम का एक तरीके से अगेंस्ट है, बट एक्स पार्टे केसेस में दिया जा सकता है इंजेक्शन टेम्प्रेरी, जहाँ पे कोर्ट को देना होता है वहाँ पर। तो एक्स पार्टे बेसिकली होता है जब कोई दूसरा जो प्लेनेटिव और रिस्पोंडेंट में से मेजर तौर पे इट्स रिस्पोंडेंट जो कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जजमेंट या इंजेक्शन सुना सकता है। फैक्ट्रम प्रोबोन्स का मतलब है रेलेवेंट फैक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट के बारे में तो आप उसमें फैक्ट्स और रेलेवेंट एक्ट्स को जरूर पढ़ेंगे। अब अगला है इग्नोरिशिया फेसेट बोथ एक्सक्यूजेड इग्नोरेंस ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज दैट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सपोजिटली आप लंदन से चले हैं इंडिया के लिए और इंडिया का कोई कानून है कस्टम से रिलेटेड जो आपको नहीं पता था, और आपको अगर कस्टम पुलिस उसके लिए पकड़ लेती है फॉर वायोलेशन ऑफ दैट क्राइम, देन यू कैन नॉट use the defense by saying that I don't know about such law, क्योंकि जो law है वो govern करता है आपको, चाहे उसके बारे में पता हो या ना पता हो, क्योंकि वो आपकी responsibility है to be aware of the law. Ipso facto is basically by the mere fact, यानी by the specific fact in question. Impromptu is basically in readiness. In lieu of is basically instead of. इन स्टेटस को इज बेसिकली इन द प्रेजेंट स्टेट। स्टेटस को के बारे में आप सब जानते ही होंगे। एक्शन पर्सनलिस मॉरिटर कम परसोना। इट्स बेसिकली पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाई विद द पर्सन। इन अदर सेंस इफ ही डाइज द राइट टू सू इज गॉन। बेसिकली दो लोगों के बीच में लड़ाई है और दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, बट जैसे ही वो दूसरा बंदा मर जाता है तो उस बंदे का डिस्प्यूट फिर किससे होगा? उसके आत्मा या उसके परिवार से तो हो नहीं सकता। तो इसका प्रिंसिपल का वही मतलब है कि द राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। अगला है ज्यूस इन परसोना। बेसिकली इट्स राइट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन। दिस इज काइंड ऑफ टॉट इज बेसिकली इज ज्यूरिस जस्ट इन परसोना एंड जस्ट इन रेम विच इज द इन नेक्स्ट 16 इज राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड इज बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, बिकॉज इट्स क्रिमिनल लॉ इज जस्ट इन रेम एंड टॉट इज जस्ट इन परसोना। लोकस टेंडे, लोकस टेंडे इज बेसिकली द राइट ऑफ पार्टी टू एन एक्शन टू अपियर एंड बी हर्ड इन द कोर्ट। तो कोर्ट में आप जब केस लेके जाते हैं तो आपका लोकस टेंडाई क्या है? व्हाई यू हैव ब्रिंग द केस टू द कोर्ट? जजेस भी आपसे यही पूछते हैं, व्हाट इज योर लोकस टेंडाई रिगार्डिंग टू द स्पेसिफिक केस। दोस्तों नीमो टेंटियर साइपसम मीन्स नो मैन हैज़ टू एक्यूज हिमसेल्फ। सो दोस्तों बेसिकली दिस इज वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, जहाँ पे हम सेल्फ इंक्रीमेशन की बात करते हैं, यानी अपने खिलाफ किसी की भी गवाही मान्य नहीं होती। तो ये वही बता रहा है, नो मैन हैज टू एक्यूज हिमसेल्फ। नीमो जुडिक्स इन सुआ कॉज़ नो बडी कैन बी जज इन हिज ओन केस। जब आप लोग किसी केस में फंस जाएंगे, बेसिकली जो प्रिंसिपल है ये यूज हो रहा है उन केसेस के लिए जहाँ पे जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं, कई बार उन पे जब लांछन लग जाता है या जब उन पे कई बार आरोप लग जाते हैं, तो वही लोग जांच में या उन्हीं के किसी सेकेंडरी सिस्टम के थ्रू जांच हो रही होती है, तो उसको गलत माना जाता है और उसको कहा गया है नेमो जुडिक्स इन सुआ कॉजा, यानी नो बडी कैन बी जज इन इज ऑन केस। जब वो खुद ही गलत है तो उस गलती वाले केस के अंदर ही कैन नॉट बी जजिंग हिमसेल्फ। बोना वैकेंशिया इज बेसिकली
goods without an owner. Next is pacta sunt servanda. Its agreement are legally binding. Pacta means agreement हो गया, servanda means binding हो गया. तो जो agreements हैं वो legally binding हो जाते हैं. Persona non grata is basically person who's unacceptable. तो कई बार क्या होता है, कोई बंदा हमें नहीं चाहिए, नहीं पसंद है, तो हम कहेंगे that person basically Rahul is persona non grata. Rahul अगर जैसे मैं supposedly कहीं पे नहीं चाहिए तो qui facit per alien facit per se, he who acts through another acts himself. This is basically principal and agent's relationship, or this is also the concept of joint liability, or you can say even for abetting. Quid pro quo is basically jaise ko taisa, it's something for something. Respondent superior is basically the let the master answer, is basically relationship between principal agent, or you're saying relationship between employer and employee, jahan pe the master of the person is answerable for the all the wrongdoing of the employee, or you can say the agent during the course of his employment. Next is rex non protest picare, that's when king can do no wrong. Res ispa locator, that means thing speaks for itself. कई बार ऐसा होता है कि कोई केस है जो prima facie पे ही पता चल रहा है और दिख रहा है कि गलत है, तो you can say res ipsa locator, यानी the case or the thing is speaking for itself. Suo moto is basically on its own. कई बार आपने सुना होगा court takes a suo moto cognizance, यानी court कई बार अपने आप ही कुछ cases को ले लेती है when it comes to public importance. You have ubi jussi bi rebedium, when there is a right there is a rem, basically it's telling about agar aapka right hai aur us pe koi injury cause ho jati hai to remedy bhi aapko wahin pe milegi, jahan pe aapke koi rights hain wahin pe aapko remedy milegi. Voluntary non-fit injury is basically damage suffered by consent, gives no cause of action, yani aap khud kisi death race ke liye ya kisi khatarnak joy ride ke liye ya kisi khatarnak khel ke liye aap sign up kar rahe hain और उसमें आपको कुछ चोट लग जाए, आपको कुछ हो जाए, तो यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस बिकॉज यू हैव वॉलंटरली आस्क फॉर द सेम. डेलीगेट प्रोटेस्टास नॉन प्रोटेस्ट डेलीगरी, यानी डेलीगेट अथॉरिटी कैन नॉट बी अगेन डेलीगेट, यानी कई बार आप आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे डेलीगेटेड पावर्स के बारे में, तो जब आपको पावर ही किसी से दान में मिली हुई हो तो वो पावर आप किसी और को नहीं दे सकते, यानी वो डेलीगेटेड पावर जो आपको मिली है यू कैन नॉट डेलीगेट इट टू समवन एल्स. ये इनकम्बेंट प्रोवेशियो क्वी डिसीट नॉन क्वी नेगार, द बर्डन ऑफ द प्रूफ, द बर्डन ऑफ द प्रूफ लाइज अपॉन हिम हु अफर्म्स नॉट हु डिनाइज. तो दोस्तों ये थोड़ा उस वाले से अलग है, प्लेंटिफ वाले से. ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जो एक्सेप्ट कर रहा है या जो अफर्म कर रहा है, जो बता रहा है कि ऐसा हुआ था, उसके ऊपर होता है, ना कि जो डिनाई कर रहा है उसके ऊपर. एक्स नोटो पैक्ट एक्शन नॉन ऑटेयर, नो एक्शन अराइज ऑन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन. आपने पढ़ा होगा दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट लीगली बाइंडिंग, एंड व्हेन इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग यू कैन नॉट अराइज एनी एक्शन आउट ऑफ इट. एक्स तुर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शा, इट्स नो एक्शन अराइज ऑन इमोरल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इलीगल हैं उन पे कोई भी एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स पे कोई एक्शन नहीं हो सकता. दीज आर द मैक्सिम्स रिलेटेड टू आर कॉन्ट्रैक्ट. इप्सो फैक्टा, बाय द वेरी फैक्ट. जुडिक्स नॉन प्रोटेस्ट एस टेस्टी इन प्रोपीरा कॉज, अ जज कैन नॉट बी विटनेस इन हिज ओन कॉज. तो ये है उसमें आपने बोला जज कैन नॉट बी अ पर्सन कैन बी जज इन हिज ओन केस, इसमें है जज कैन नॉट बी विटनेस इन हिज ओन कॉज, यानी जो व्यक्ति है वो अपने ही केस के अंदर एक विटनेस का रोल नहीं प्ले कर सकता, ही नीड टू गेट अ थर्ड पर्सन टू टेस्टिफाई हिमसेल्फ. सो दोस्तों द नेक्स्ट इज नीमो कॉन्ट्रा फैक्टम सुम वेनेरे पोटेस, नो मैन कैन कॉन्ट्राडिक्ट हिज ओन डीड, इज टॉकिंग अबाउट एस्टॉपल. अ प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल टॉक्स अबाउट कि नो पर्सन, अगर आपने पहले ही अगर आपने पहले किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया या पहले आप किसी चीज़ को बोल चुके हैं तो आप वापस नहीं मुड़ सकते और उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते. पारी पूसो का मतलब है ऑन इक्वल फुटिंग. ऑडी अल्टरम पार्टम इज नो मैन शैल बी कंडम्ड अनहर्ड. लेक्स फॉरी इज बेसिकली द लॉ ऑफ द फॉरेन लैंड. लेक्स लॉकी इज बेसिकली द लॉ ऑफ द लैंड. विस मेजर इज बेसिकली एक्ट ऑफ गॉड, यू कैन ऑल्सो कॉल इट फोर्स मेजर. डैमनम सिन इंजरियस, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ टॉट जिसके अंदर आपको डैमेज हुआ है बट कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, यानी आपको लॉसेज अकर करने पड़े हैं बट आपके कोई लीगल राइट हैम्पर नहीं हुआ. आपने वो केस सुना होगा जो ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस था जिसके अंदर दो स्कूल खुल जाते हैं और एक स्कूल को मॉनेटरी लॉस हो जाता है दूसरे स्कूल के खुलने से, बट क्योंकि ये दूसरा स्कूल खुल सकता है इट्स पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन, देन दैट पर्सन मस्ट हैव गॉट द डैमेज बट हैव नॉट हैम्पर हिज लीगल राइट्स.
अगला है इंजरियस इन ए डैमनम, दस लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। तो कई बार क्या होता है, लीगल इंजरी हो जाती है और डैमेज नहीं होता। सपोजली आपने वो वोटिंग वाला केस भी सुना होगा जिसके अंदर व्यक्ति को वोट डालने से मना कर दिया जाता है। अच्छा, वोट ना डालने से उस व्यक्ति को कोई डैमेज हुआ? बिल्कुल भी नहीं, कोई लॉस तो नहीं हुआ, बट हाँ, उसकी लीगल राइट को हैम्पर किया गया, सो दैट्स एन लीगल इंजरी एंड दैट इज अ काइंड ऑफ अ टॉर्ट। नेमो डेविड बिस वेक्सारा, इट्स नो पर्सन शुड बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी। जहाँ पे एक व्यक्ति को एक जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं दी सकती। एक्स इक्वो एट बैनो, इट्स अकॉर्डिंग टू द राइट एंड गुड, इट्स जस्ट नॉन स्क्रिप्टम कस्टमरी लॉ। लेक्स नॉन ए रेज एस्ट वायलेंडा, दैट्स लॉ मस्ट नॉट बी वायलेट इवन बाय द किंग। सो इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट दी व्हेन यू टॉक अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो इट्स टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, वेदर इट्स किंग और द पॉन। सेलेस पॉपुली एस प्रेमा लेक्स, सो इट्स टॉकिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। फ्रॉस एस सेलरा फ्रॉडम, इट्स अ फ्रॉड टू कंसील अ फ्रॉड। कोई फ्रॉड को छुपाने के लिए अगर आप चुप है तो कंसील कर रहे हैं, तो आप भी एक फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। एक्शनेबल पर से, दैट मीन्स द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। एडहॉक इज फॉर द पर्टिकुलर एंड, आपने सुना होगा कई बार कुछ एडहॉक कमेटीज बनाई जाती हैं इन पार्लियामेंट, कुछ एडहॉक मिनिस्ट्रीज होती हैं जो स्पेसिफिक किसी काम के लिए बनाई जाती हैं। सो इज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर एंड और द केस एट हैंड। एसेंशियो मेंटियम इज द मीटिंग ऑफ द माइंड्स आई म्यूचुअल कंसेंट्स, इट्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू हैव द फ्री कंसेंट, द मीटिंग ऑफ द माइंड। केवियट एम्प्टर इज बेसिकली द लेट द बायर बी अवेयर, यानी आप कोई भी सामान अगर खरीदने जा रहे हैं देन यू शुड बी अवेयर। सो केवियट वेंडिक्टर इज द नेक्स्ट वन एंड केवियट एम्प्टर इज द प्रीवियस वन। तो इन दोनों में जो फर्क है, एम्प्टर आपकी जेब खाली हो रही तो बायर, और वेंडिक्टर अगर बायर जो है वो एम्प्टर हो गया तो वेंडिक्टर ऑफकोर्स बी अ सेलर। जस्टिशिया निमिना निगांडा इस्टा, जस्टिस इज टू बी डिनाइड टू नोबडी, जस्टिस किसी को डिनाई नहीं होना चाहिए। पर इंक्यूरियम इज बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर, इफ समथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ केयर, यू सेड दैट इंसिडेंट हैपेंड पर इंक्यूरियम बिकॉज ऑफ सो सो थिंग्स। रेशियो डिसीजन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मेन प्रिंसिपल इन विच ऑन विच द जजमेंट इज गिवन इज कॉल्ड द रेशियो, और द रेशियो डेसिडेंडी हैज बीन सेड इन द 58th लीगल मैक्सिम प्रिंसिपल और रीजन अंडर लाइंग अ कोर्ट जजमेंट। कंसेंसेंस एड आइडम इज बेसिकली एग्रीमेंट एज टू द सेम थिंग्स, वैन टू पार्टीज एग्रींग टू द सेम थिंग दैट्स कॉल्ड कंसेंसेंस एड आइडम। डॉली इन कैपैक्स इज बेसिकली इनकेपेबल ऑफ क्राइम, एंड यू कैन नॉट डू क्राइम इफ यू हैव रेड इन आईपीसी दैट चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 इज बेसिकली डॉली इन कैपैक्स इज बेसिकली इनकेपेबल ऑफ क्राइम। Item means the same person or a thing. Just add rem, just in re is basically right to a thing or right in a thing. Basically you say it's my just add rem, it's my right on that thing. Qui non improbat approbat, he who does not disapprove approves. So it's basically talking about the principle of when you keep silent if someone asks you a question. If you're silent, that means it's affirmation and you're not proving what the person is asking. 64 vigilante bus, non dormanti bus, jura subaventum is like the laws of the vigilant, not those who sleep. So this basically talk about the principle of limitation, that every crime have a limitation for going to the court or for registering your complaint with respect to that crime. So this is talk about the person who's vigilant, that who is aware of the law is the person whom law going to help, not the one who is sleeping. Stare decisis is said to be the standby, the decision of precedent in court. It's 141 article of our Indian Constitution which talk about stare decisis of Supreme Court, that every Supreme Court order is legally binding. So dosto, with this we have completed our 65 legal maxims and legal terms which are in use in our judicial system. I hope with this video I have helped. Agar koi legal maxim ya koi legal term reh gaya hai to comment box mein usko likhein so that aur students usko padh paayein ya fir main bhi us pe reply kar paun. Of course this 65 are the important ones, but they are not every thing. To iske alawa bhi bahut sare legal maxims hain, but mere ko bola gaya tha ki that you have to make sure कि हम उतने लीगल मैक्सिम्स लाएं जो कि हमारे पेपर में आ जाते हैं. तो जितने लीगल मैक्सिम्स यहाँ पे हैं दोस्तों, ये हमारे पेपर में इन्हीं में से ही आने वाले हैं. बहुत ही कम चांसेस के बाहर कोई जाएगा, बट स्टिल इफ़ यू वांट कि मैं और इस पे पार्ट टू बनाऊं, देन राइट डाउन द कमेंट बॉक्स, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर
the law entrance and let me know that how I can help you by writing questions in the comment box, because मैं बहुत जल्दी Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ और आप लोगों को मैं बता दूँ कि 300 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें हम लोग हमारे एग्जामिनेशन इन DU LLB के ऊपर मैं एक वीडियो बना लूँ, बिकॉज मैंने खुद 300 प्लस स्कोर कराया, तो मैं एक अच्छा इंसाइट आपको दे सकता हूँ दैट हाउ यू कैन स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन DU LLB. सो दोस्तों, विद दिस सेड, सौरभ करवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय.